हवास देख लो दोस्तों, ऐसा लगाई जाए इसमें काफ़ी बढ़िया सिस्टम है हवास लगाने का भी। भाई एक आदमी हाथ लगाने के लिए थोड़ा खड़ा रहे, इससे हवास जो है अंदर आराम से चली जावे। तो देख लो दोस्तों काफ़ी बढ़िया जो है साफ नाज आ रहा है, बिल्कुल इसमें दिखा दूँ आपको कट्टे में, देख लो बिल्कुल साफ नाज है एकदम, एक घंटा नहीं है जरा सभी देखने को भी, ये देख लो बिल्कुल साफ नाज है, 303 बीज है वो और दाना भी काफ़ी बढ़िया है और गंठे का नामो निशान नहीं चमक रहा कट्टे में। वहाँ से देख लो वहाँ से गिरा ना दियो आर के एम दिखा दे दोस्तों आपको, देख लो 1700 1750 के आसपास ट्रैक्टर चल रहा है और इतने ही आर के एम रिकमेंड है इस मशीन को चलाने के लिए, वी एस पुन्नी का थ्रेसर और ट्रैक्टर चल रहा है इस पर अर्जुन नोवो। दोस्तों स्वागत है सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में फेसबुक पेज आदित्य शिवाच में। दोस्तों आज आपके लिए वीडियो लेकर आए हैं अपने वी एस पुन्नी का जो थ्रेसर लाए थे हम हरियाणा से, उसका जो मतलब गेहूँ पे कैसा परफॉर्मेंस है, कैसी परफॉर्मेंस है गेहूँ निकलाई पे, कि मतलब जो गेहूँ की जो फसल होती है उसकी हार्वेस्टिंग में कैसा काम है इसका, तो देख लो। पहला आप सभी को दिखा दूँ भूस, जो काफ़ी लंबा जो है भूस फैला रही मशीन और बारीक भी है भूस काफ़ी। आज ही जाली बदल के लाए इसी मशीन की, पहले तो सरसों पर चल रही थी मशीन, आज ही चली है गेहूँ पे, तो आप देख लो भूस भी काफ़ी बारीक है। और बाकी आप सभी को आज पूरी परफॉर्मेंस दिखाऊंगे कि मतलब कैसा जो है मशीन जो है गेहूँ निकाल रही है या कैसे जो है आवाज़ लगाई इसमें। सरसों में तो मैंने दिखाई थी आपको सभी को, तो गेहूँ में कैसा काम कर रही है मशीन, कितने आरपीएम पर ट्रैक्टर चल रहा है और जी बाकी सभी आपको चीज़ दिखाऊंगे। तो मेन बात आज इसकी परफॉर्मेंस, जो मतलब गेहूँ पे कैसा परफॉर्मेंस दे रही है मशीन, सरसों का चीज़ चल रही थी गेहूँ पे कैसी चल रही है। तो सबसे पहले दिखा दूँ आपको आरपीएम ट्रैक्टर के, चल रहा है तो 1700 1750 के आसपास का ट्रैक्टर इस पर चलाया जावे, चाहे हो अर्जुन नोवो चाहे हो हमारा 575, मतलब जो 540 पीटी आरपीएम वाले ट्रैक्टर हैं उन पर लगभग 1800 आरपीएम का ही चलाए हो। और बाकी आप सभी के सामने है और अभी आपको दिखाऊंगे इसके गेहूँ में सफाई कितनी है, गेहूँ जो निकाल रही है मशीन। और इधर खड़ा अपने फ्यूज भैया वाला कुबोटा, इस पर हम लेने आए हैं गेहूँ और यहाँ पर करवाए जोर थोड़े से कुबोटा के, तो दिखाऊंगा आप सभी को गेहूँ कैसे दे रही है मशीन। तो देखो सफाई कैसी आ रही है गेहूँ में, एक परसेंट की भी गंदगी नहीं है गेहूँ में बिल्कुल भी, बिल्कुल साफ जो है ना दे रही है मशीन। बाकी देखो साफ का सिस्टम यहाँ पे है इसका पूरा मशीन का, अरे दिखाऊंगा आपको आवाज़ का सिस्टम इसकी, ऐसा आकर आवाज़ दो ऐसा ला के अपना पुली रखो और वापस, थोड़ा स्लो चल रहा है अभी इसका, हमने पुली वुली की 40 की बढ़ाई ना, आज ही अपने खेत में ट्राई कर रहे हैं है, मशीन को अपना ही खेत है। एक आदमी तो चाहिए देखो थोड़ा सा सहारा लगाने के लिए पुली में, ऐसे इसमें हवा ज़्यादा है या आप ज़्यादा भरती, या तो मशीन खाली चला रखी थी बिल्कुल या आप ज़्यादा भरती। इधर खड़ा है कुबोटा, इसे थोड़े से आज जोर करके देखे वहाँ, वैसे ही तफरी काट रहे थे जोर कर रहे थे। तो आपको हार्वेस्टिंग गेहूँ की हार्वेस्टिंग पे पुन्नी थ्रेसर का काम कैसा चल रहा वो मैंने आपको दिखाया आज, और गेहूँ की भी एक बार और दिखा दूँ देख लो। एक परसेंट की भी कोई किसी भी प्रकार की कोई भी गंदगी नहीं है नाज में, बिल्कुल साफ गेहूँ दे रही है, उस भी काफ़ी बारीक है मशीन का, कुल मिलाकर कारगर है मशीन। अधिकतर तो हमने अभी तक सरसों पे ही चलाई हो, गेहूँ पे तो आज ही चलाई है पहली बार, एक दिन पहले और चलाई थी मैंने, छोटा डाल रखा बना के
वो तो छोटा सा ही खेत था, उसमें तो बस ट्राई करके देखी थी। उस दिन तो भूस बहुत मोटा आया था इसका, क्योंकि जाली उस दिन इसमें सरसों वाली पड़ी थी सरसों के काम के लिए। देख लो ढेर किस तरह से लगा के चल रही भूस का मशीन, इधर से ढेर लगा रही है और इधर से पतला हो गया फिर ज्यादा क्या। आप सभी को काम कैसा लगा भैया स्पुन्नी थ्रेसर का, सभी भाई कमेंट करके ज़रूर बताना, कमेंट करना सभी भाई, अपनी अपनी राय देना इसके बारे में और लाइक करना वीडियो को। और जी जो मेरे दोस्त चैनल बनाए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो मेरे भाई ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं वो पेज को फॉलो करें। तो मिलते हैं जल्दी नई वीडियो में, देख लो जोर करके ट्रैक्टर के, मिलते हैं जल्दी वीडियो में, जल्दी नई वीडियो में, धन्यवाद।